अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह मास्क और लैब कोट लेके हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि आज रोटेशन है यूनिवर्सिटी में। फिर हम लोग बस में बैठ के जाएंगे सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल क्योंकि मेरी रोटेशन चेंज हो चुकी है। पहले मैं इफ्फत अनवर मेडिकल कॉम्प्लेक्स जा रहा था, अब मैं सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल जाऊंगा जो कि खाना वाली साइड पे है। मौसम काफी चेंज हो चुका है, सर्दी नहीं है लेकिन मौसम काफी अच्छा था। बादल आए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी। बस में मेरे क्लास फेलोज ने गाने लगा लिए थे और हम लोग सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। लास्ट सेमेस्टर भी मैं यहीं पे आया था और इफ्फत अनवर आया था। इस टाइम हम आईसीयू के बाहर खड़े हैं क्योंकि 5-5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैम के साथ और आईसीयू में केस देख रहे हैं। अलिशबा ग्लव्स पहन रही थी यहाँ पे क्योंकि इसकी टर्न थी और ये अपना हाथ आगे करिए कि मैंने ग्लव्स पहन लिया। अभी आईसीयू में जाएगी, उसके बाद फिर हमारा ग्रुप जाएगा। यहाँ पे मैम हमें बता रही थी कि पेशेंट की सारी डिटेल्स के पेशेंट को क्या इशू है। उसके बाद मुझे मैम ने सर्जरी वार्ड में भेज दिया। फिर मैंने डायलिसिस यूनिट देखा, यहाँ पे लोगों की डायलिसिस हो रही थी। वीकेंड की वजह से पेशेंट बहुत कम थे तो सर्जरी वार्ड में सिर्फ 2 पेशेंट थे, मैंने उनको देखा। ऑडिटोरियम थोड़ा बिजी था।